आदिवासी बनने चाहने वालों के खिलाफ रही, उसकी बोलती बंद करने वाली रही है। ये कुर्मी तेली जितने आदिवासी बनना चाहता है उन सभी का मनोबल को तोड़ने वाली है। आप नौकरी मिल रहा है उसको लेना चाहते हैं, एमएलए एमपी को लूटना चाहते हैं, आपकी जमीन लूटना चाहते हैं और वो नहीं लुटा पा रहा है तो आदिवासी के भीतर घुस के लूटना सकेगा, इसीलिए आदिवासी बनना चाह रहा है। उससे पहले हम लोग को मुंड देना है। आज की रैली कुर्मियों को आदिवासी बनाने का रोकने का है। मेरा समाज है तो हमको आरक्षण मिलेगा, नौकरी मिलेगा, सभा सभी सुविधाएं मिलेगी, इसलिए ये जात जब डूब रही है, इस पर जब दिक्कतें आ रही है, इस पर हमला हो रहा है तो मुझे रैली करना होगा। आदिवासी अधिकार महारैली को लेकर प्रभात तारा मैदान में विधायक चमरा लिंडा के नेतृत्व में आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में यहाँ लोग पहुँचे आदिवासी अधिकार को लेके। लेकिन चमरा लिंडा जी, सवाल भी है कि चमरा लिंडा का शक्ति समर्थन शक्ति प्रदर्शन मांगे या सरकार के खिलाफ प्रदर्शन माने? ना शक्ति प्रदर्शन है ना सरकार के खिलाफ है ये मामला, ये आदिवासी बनने चाहने वालों के खिलाफ रैली, उसकी बोलती बंद करने वाली रैली है। ये कुर्मी तेली जितने आदिवासी बनना चाहता है उन सभी का मनोबल को तोड़ने वाली है। अरे ये मूव ये तय कर रही है क्योंकि हम लोगों ने सारे झारखंड में ही प्रचार किया कि आदिवासी के लिए फ्यूचर में परेशानी बढ़ने वाली है, आदिवासियों का सभी आरक्षण जो विधि विधान है उसके पुरखों ने लड़ा है उसको लूटने के लिए लोग आदिवासी बनना चाहते हैं, मुखिया बनने चाहते हैं, सीएम बनना चाहते हैं और पैसा लूटना चाहते हैं, आप नौकरी मिल रहा है उसको लेना चाहते हैं, एमएलए एमपी को लूटना चाहते हैं, आपकी जमीन लूटना चाहते हैं और वो नहीं लुटा पा रहा है तो आदिवासी के भीतर घुस के लूटना सकेगा, इसीलिए आदिवासी बनना चाह रहा है। उससे पहले हम लोग को मुंद देना है, इसके लिए रैली आई। दादा सरकार आपकी, सरकार का आप अंग है, क्या सरकार नहीं सुन पा रही है आप विधायक की? देखिए सत्ता, अभी हमने बोला 2003 में अर्जुन मुंडा जी ने इन्हीं लोगों को, कुर्मियों को आदिवासी बनाने के लिए पास कर दिया था, चक्का जाम किए तब न रुका, अन्यथा 13 एमपी भी हस्ताक्षर कर दिया था, कैबिनेट से भी पास कर दिया था, ओके होने वाला था मगर हमने तय कर दिया उसको, चक्का जाम रोक दिया, रेल रोक दिया तो रुक गया वो, खत्म हो गया। अभी 20 साल के बाद फिर से ही लोग आने वाले। दादा इस महारैली में युवाओं का सरकार के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ है कि उन्होंने कहा कि हमारी करियर से सरकार बर्बाद कर रही है, नौकरियों नहीं दे रही है, 1932 को लेकर पूरा आक्रोश है, इसको लेकर क्या कहें? ये प्रमुख रूप से आज की रैली कुर्मियों को आदिवासी बनाने का रोकने का है। ये रैली आज एकदम स्पेशली उसी के लिए, भले हम संवैधानिक अधिकार के विषय में बात कहेंगे लेकिन आज की रैली स्पेशली कुर्मी तेली या अन्य जातियां या तो भोक्ता बन गया है उसको भी रोकना होगा और ये जातियां बनने वाली हैं, चाहे बनने की कोई कोशिश करेगा, जो भी कोशिश करेगा, जिसकी भी हस्ताक्षर होगी उसको हम लोग अल्टीमेटम देने वाले हैं कि बंद करो और अगर नहीं माना तो चक्का जाम कर देंगे पूरा झारखंड प्रदेश में। दादा इससे महारैली किसको संदेश, राज्य सरकार केंद्र सरकार की दोनों को संदेश देना है? बहुत सारे लोग बनाते हैं, ट्राइबल रिसर्च सेंटर का डायरेक्टर बनाते हैं, इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर भी कर जाते हैं, टीएससी का मेंबर भी इसको ओके कर सकते हैं, सेक्रेटरी वगैरह लोग ओके करते हैं, केंद्र सरकार ओके करते हैं, यहाँ के जितने व्यक्ति जिसके तरफ से जाएगा वो और वो अगर करने वाला हो हस्ताक्षर उसको रोकना, अपना कलम बंद करो, अपना हाथ बंद करो, स्टॉप करो। दादा आपके ही पार्टी कई विधायक हैं कि राजनीतिक लड़ाई चमरा लिंडा लड़ रहे हैं अपनी पार्टी में? हम कभी राजनीतिक लड़ाई लड़े ही नहीं, हम राजनीतिक हुए ही नहीं, कभी नहीं, हम आदिवासी समाज के लिए हैं, मेरा जात रहेगा तो समाज रहेगा तो हम रहेंगे, है ना, पॉलिटिक्स आज है कल है नहीं रहेगा चली जाएगी मगर मेरा समाज है तो हमको आरक्षण मिलेगा, नौकरी मिलेगा, सभा सभी सुविधाएं मिलेगी, इसलिए ये जात जब डूब रही है, इस पर जब दिक्कतें आ रही हैं, इस पर हमला हो रहा है तो मुझे रैली करना होगा और इसी के माध्यम से जनता को पब्लिक ये आवाज निकालेगी कि नहीं हम ये नहीं चाहते हैं, इसलिए आज की रैली निकाले। दादा पहले भोक्ता फिर अब महतो, क्या कैसे रोकेंगे ये लोग आदिवासी बनने को लेके, क्या करने जा रहे हैं? सारा रोक देंगे, रेल रोक देंगे, हम पूरा टोटल झारखंड का रेल रोक देंगे, पूरा झारखंड चक्का जाम कर देंगे, चींटी की तरह पब्लिक को निकाल देंगे आदिवासियों को। क्या कोई रणनीति बनाए दादा इसको उनको लेके? हाँ अभी अगर हम लोग अल्टीमेटम कर रहे हैं, अगर नहीं माना और अगर ओके होने जाए हम पैरालिसिस कर देंगे झारखंड को, सारा निकाल देंगे आदिवासियों को। दादा सदन शुरू होने में क्या आवाज उठाएंगे सदन में इस बात को लेके? सदन से नहीं होगा, सदन देखिए राजनीति होता है, वहाँ किसको वोट लेना है, किसको वोट देना है, क्या होना है, हम नहीं बोलेंगे, एक कई तरह की समस्याएं होती है वहाँ, ये पब्लिक रोकेगा और समाज डूबेगा तो इसको ये समझेगा ये डूबेगा, इसलिए ये आवाज निकालेगा और ये बोलेगा कि नहीं रोको बंद करो। आदिवासियों की राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर भी बात होगी आज महारैली में? वो तो ऑलरेडी है, उसका संविधान में जो है सो है ही, तो है ही, तो
इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब जेएमएम में रहेंगे ना, ऐसा है ना कि जमरा लेना जेएमएम में रहेंगे ना? कौन बोल रहा है ऐसा कि हम क्या पार्टी या पॉलिटिक्स, ये पार्टी पॉलिटिक्स की बात ही नहीं, हम जहां हैं वहां हैं, ठीक है, सही है, सब ठीक ठाक है, लेकिन हम आदिवासी जात को दिक्कत होगा। हम आदिवासी छात्र संघ शुरू से ही बनाते रहे, आदिवासी के लिए लड़ते रहे, संविधान के लिए, उसका डिलिमिटेशन में संख्या घट रहा था उसको आंदोलन करके संविधान संशोधन कराए, तेली बन रहा था उसको कराए, पेशा का कानून लगाए, भूरिया कमेटी लगाना होगा उसको 2000 से लेकर 2004-05 में आंदोलन करके हुआ, आंदोलन करके बहुत सारी चीज़ें पूरी होती हैं। 5 साल 10 साल एमएलए बन के मेरा कुछ भी नहीं हुआ, आदिवासी के लिए कोई कल्याण नहीं कर सके, इसलिए मैं वही रेफरेंस दे करके आदिवासियों को बोल रहा हूँ कि हम नहीं सकेंगे, आप आइए, आप बोलिए, आप चिल्लाइए, आप रोकिए। हमारे इस कार्यक्रम में ये तुम्हारे साथ बिशुनपुर के विधायक चमरा लिंडा, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर काम आदिवासियों के अधिकार को लेकर महारैली का आयोजन किए और आदिवासियों को जो भी अधिकार है उसको लेकर हम लोग रहेंगे। अगर भोक्ता समाज या महतो समाज भी अब आदिवासी बनने के कगार पे, अगर वो नहीं रुकता है तो पूरे राज्य में चक्का जाम करेंगे ताकि महतो को आदिवासी बनने से रोका जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकिन 20 सूत्री मांग है ये भी पूरा किया जाए। लेकिन देखना होगा इस महारैली से राज्य सरकार या केंद्र सरकार पर कितना दबाव बन पाता है। सहयोगी नूतन के साथ मनीष झा, न्यूज विंग, रांची। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन, आरटीई से भी एडमिशन जारी है। सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स